तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को अगर तुम देखोगे तो इसमें क्या कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सी है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यहाँ पर जी है, प्लैंक कांस्टेंट एज फंडामेंटल यूनिट है, तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ टाइम। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो टाइम जो है प्रोपोर्शनलिटी सम कांस्टेंट के लाइट की स्पीड सी की पावर ए लिखता हूँ और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की पावर बी लिखता हूँ और एच प्लांक्स कांस्टेंट इसका पावर सी लिखता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब कुछ नहीं करना आपको, ए बी सी का वैल्यू निकालना डायमेंशन का यूज करके और हमें इसमें रख देना है, ठीक है ना। तो अगर हम ए बी सी का डायमेंशन का फार्मूला यूज करके यहाँ पे रख दूंगा तो सबसे पहले सी सी का डायमेंशन फार्मूला क्या है, सी लाइट का स्पीड है एल टी माइनस वन, जी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, तो स्मॉल जी इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर होता है, तो कैपिटल जी की वैल्यू जी आर स्क्वायर अपन एम है, तो यहाँ से जी आ जाएगा वो आ जाएगा एल टी माइनस टू और ये एल का स्क्वायर ओवर मास एम है, तो इसका मतलब ये हुआ एम की पावर माइनस वन, एल की पावर थ्री और टी की पावर माइनस टू, ये वाला चीज़। तो जी यहाँ आ गया, एच एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो ई अपॉन न्यू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एच न्यू होता है, तो एनर्जी एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू और न्यू मतलब न्यू जो है वन अपॉन टाइम पीरियड होता है, तो ये टी, तो ये बनेगा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस वन। तो हमने सबका डायमेंशनल फार्मूला हमने निकाल लिया, जो भी तीनों चीज़ दिया हुआ था उन सबका हमने डायमेंशनल फार्मूला यहाँ निकाल लिया, ये वाला, ठीक है ना। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ जी, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एच, ठीक है ना। तो अब हमने जी का निकाल लिया एम की पावर माइनस वन टी की पावर और एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू और एल टी माइनस। अब क्या करना है, इन सबको हमें वैल्यू वन में रख देना है, पुट, हाँ पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ये सारी वैल्यू अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में रखूँ तो मुझे क्या मिलता है वही मैं देखूँगा। तो अगर मैं फर्स्ट में रखता हूँ तो देखो, मैं थोड़ा मार्कर बदल लेता हूँ, यहाँ फर्स्ट में रखता हूँ तो इधर जो है डायमेंशन इधर टी मिलेगा, टी का डायमेंशन जो है वो कैपिटल टी हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड कैपिटल टी आ जाएगा और राइट साइड के और सी, सी आ जाएगा एल टी माइनस वन की पावर ए, उसके बाद कैपिटल जी, कैपिटल जी एम की पावर माइनस वन, एल की पावर थ्री और टी की पावर माइनस टू की पावर बी, ठीक है। उसके बाद एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस वन ए बी सी। अब इसको रीअरेंज करो, इधर आएगा टी, इधर आएगा के, एल की पावर देखो एल की पावर यहाँ ए है और एल की पावर यहाँ प्लस थ्री टाइम्स बी है प्लस एल की पावर यहाँ टू सी है। अब एल टी देखो, टी की पावर यहाँ माइनस ए है और ये टी की पावर माइनस टू बी है और ये माइनस सी है, ये एम एल टी, और यहाँ से एम की पावर अगर देखोगे एम, तो एम की पावर माइनस बी है और ये प्लस सी है, तो ये वाली चीज़ अगर आप देखोगे यहाँ से, तो तुम देखो यहाँ से अब सबका कंपेयर करो, इधर के देखोगे तो इधर क्या भाई, इधर ये से टी को मैं लिख सकता हूँ एम नॉट एल नॉट टी, समझ रहे हो। तो दोनों साइड पावर कंपेयर करोगे तो यहाँ से एम की पावर कितनी है, इधर जीरो है, तो एम की पावर जीरो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ से मुझे ए मिला, बी और सी आपस में इक्वल होंगे, ये इक्वेशन मुझे मिल गया। दूसरा तुम देखोगे यहाँ तो ए प्लस थ्री टाइम्स बी प्लस टू सी बराबर होगा जीरो, और यहाँ से माइनस ए माइनस टू बी माइनस सी दैट इक्वल टू टी की पावर वन, ये तो ये वाली जो चीज़ है यहाँ से, तो ये सारे इक्वेशन हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब बी और सी आपस में बराबर है तो ये तो क्लियर है, बी और सी आपस में बराबर है तो बी बी जी की पावर और सी की पावर बराबर होना चाहिए, मतलब जी की पावर वन बाई टू है और एच की पावर वन बाई टू है, तो ये कभी सही नहीं हो सकता, या तो ये सही है या तो ये सही है या तो सी, मतलब सी निकालना ही पड़ेगा हमें। तो चलो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो बी और सी बराबर है तो यहाँ मैं एक काम करता हूँ,
इस इक्वेशन को ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूँ बड़े आराम से। देखो ऊपर वाले इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ a प्लस थ्री बी प्लस बी और c आपस में बराबर है, ये 2b दैट इक्वल टू जीरो, मतलब यह आ जाएगा a प्लस फाइव टाइम्स b इक्वल टू जीरो, और यहाँ से a माइनस टू बी माइनस बी दैट इक्वल टू वन, तो इसका मतलब a माइनस थ्री बी इक्वल टू वन। तो ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली और ये वाली इक्वेशन है, इसको मैं सॉल्व करूँगा, तो अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, घटा दूँ, तो ये प्लस और ये माइनस वन, तो घटाने पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सेवन एट, ये आ जाएगा एट बी इज इक्वल टू माइनस वन, तो बी की वैल्यू आ जाएगा वन अपॉन माइनस वन एट। तो बी की वैल्यू यहाँ से तुम देखोगे, यहाँ पे हल्का सा लग रहा है कहीं मिस्टेक हो गया है, तो अगर तुम देखोगे यहाँ तो बी की वैल्यू कितनी आई, बी की वैल्यू यहाँ पे बी प्लस सी, बी बराबर सी आ गया, ये तो क्लियर है। तो यहाँ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू और ये माइनस ए की पावर, यहाँ माइनस था ना, ये वाला माइनस था, तो ये माइनस था, तो ये माइनस आ जाएगा, ये हल्का सा मिस्टेक हुआ था, तो हम इसको सुधार लेते हैं, कोई बात नहीं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से ये, तो जब इसको मैं सॉल्व करूँगा यहाँ पे, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपली इनको ऐड कर देना है। तो अगर मैं इनको ऐड करता हूँ, क्योंकि ये माइनस है माइनस, तो ये ख़त्म हो जाएगा, और ऐड करने के बाद ये प्लस टू बी इज इक्वल टू वन आएगा, तो b की वैल्यू वन बाई टू आ गई, तो c की वैल्यू भी तो वन बाई टू आ जाएगी। अब रहा a की वैल्यू, तो a की वैल्यू यहाँ पर रख देते हो, तो a प्लस फाइव टाइम्स और b की वैल्यू वन बाई टू है, तो दैट इज इक्वल टू ज़ीरो, तो a की वैल्यू माइनस फाइव बाई टू। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो a की वैल्यू किसकी थी, a की वैल्यू थी c की पावर माइनस फाइव बाई टू, देखो c की पावर माइनस फाइव बाई टू, मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन सही नहीं है, ये सही नहीं है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन था। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।